बहराइच में बीजेपी के आनंद गौड़ ने सपा प्रत्याशी रमेश गौतम को 64,227 वोटों से मात दे दी है। जनता को धन्यवाद दिया। बहराइच में 56 लोकसभा सुरक्षित सीट से बीजेपी के आनंद गौड़ ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज की है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रमेश गौतम को 64,227 वोटों से करारी शिकस्त दी है। जीत का सेहरा बनते ही आनंद गौड़ ने समर्थकों के साथ पैदल मार्च करते हुए मतगणना स्थल से रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने भारी मतों से जीत दिलाने के लिए जनता जनार्दन का धन्यवाद दिया। बहराइच सीट से बीजेपी के आनंद गौड़ ने सपा के रमेश गौतम को 64,000 वोटों के भारी अंतर से हराया है। शुरुआती समय से ही बीजेपी प्रत्याशी ने बढ़त बना रखी थी। आपको बता दें कि बीजेपी ने मौजूदा अक्षय वरलाल गौंड के टिकट काटकर उनके बेटे आनंद गौंड पर इस पर दांव लगाया था, जिस पर आनंद गौंड खड़े उतरे। बीते 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी के अक्षय वरलाल गौंड को 5,25,982 वोट मिले थे, वहीं 2014 में बीजेपी से सावित्री बाई फूले को 4,32,392 वोट मिले थे। 2014 से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 2024 का चुनाव जीतकर इस सीट पर बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगा दी है। निश्चित रूप से अगर आज के परिदृश्य में देखा जाए तो यह जीत काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके लिए मैं अपने बहराइच की सम्मानित जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, अपने सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इससे करना पड़ेगा आज यह दिन परिणाम देखने को मिला। जिस तरीके से आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, ऐसे में बहराइच के विकास को लेकर क्या करेंगे आप? निश्चित रूप से जिम्मेदारी बड़ी है क्योंकि यहाँ पर काम भी बहुत सारे करने हैं, तो जब काम ज़्यादा करने हैं तो जिम्मेदारी बड़ी होगी और बहराइच की जनता के आशीर्वाद से निश्चित रूप से हम वो सब पूरा करने में सक्षम होंगे। धन्यवाद।